देखिए चंद्रयान का जहाँ तक वो पहुँचा है, जहाँ तक का हमारा पास उसकी सूचना मिली है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जो संपर्क टूटा है उसके कारण कई हो सकते हैं। आपने जैसे कहा स्पीड, हाँ, अगर किसी कारण से स्पीड पे नियंत्रण नहीं रहा तो भी ऐसा हो सकता है कि वो क्रैश हो जाए और संपर्क टूट जाए। लेकिन अभी ये जल्द होगा, जल्दीबाजी होगी इस किसी भी निर्णय पे पहुंचना। जैसा आप जानते हैं उस समय तक इसके चारों इंजन काम कर रहे थे और उसके बाद दो इंजन को काम करना था, फिर एक चारों को बंद होकर पांचवें को आना था। अब इस कार्य में अगर कहीं कुछ चूक हुई हो, कहीं कोई इंजन पूरी तरह से काम ना कर पाया हो, आपस में इनका बैलेंसिंग ठीक ना हुई हो, तो भी ऐसा हो सकता है कि चंद्रयान क्रैश हो गया हो और उसके संपर्क टूट गया हो। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अभी हमें इस किसी निर्णय पर नहीं पहुँचना है, हमें डाटा के एनालिसिस का इंतजार करना है। There is a communication error or the communication cut off during this landing time. Everything went smooth as per the plan till it has reached an altitude of 2.1 kilometer, which was very unexpected and is a bitter end to a very glorious journey of this Chandrayaan 2, we can say. There is no problem in the engine or any power section or anything. What ISRO has mentioned till now, that there is a problem in the communication system only. This communication system failure might happen because of the maybe power failure or maybe any snag in the wiring or anything. But that can only be confirmed after analyzing all the data that I have received. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.